दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास को समझने और पढ़ने के लिए दुनिया भर से लोग आज भी भारत क्यों आते हैं? क्या आपने कभी देश के अंदर रहकर ये समझने की कोशिश की है कि आखिर क्यों और कैसे वर्ल्ड फेमस यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक भारत के अंदर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को अपनी लिस्ट में जगह दी हुई है? क्या आप जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स या फिर हेरिटेज आते हैं? शायद नहीं, क्योंकि आप अपने इतिहास को पढ़ने में शायद बोरियत महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विदेशियों को भारतीय इतिहास अपनी तरफ खूब अट्रैक्ट करता है। आज हम आपको भारत में मौजूद एक ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी जेब में मौजूद है। जी हाँ, नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हमारा यकीन कीजिए, अपनी जेब में जरा हाथ डालिए और 100 का नोट निकालिए। अब आपके पास 100 का नोट नहीं है तो अपने भाई, बहन, मम्मी, पापा या फिर दोस्त से ले लीजिए। नोट के पीछे देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपने किस चीज की तस्वीर देखी। आज हम आपको इसी तस्वीर में छुपे मॉन्यूमेंट के बारे में बताने वाले हैं और बताएंगे इस मॉन्यूमेंट से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपको आज तक नहीं पता थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेल आइकॉन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो पर वापस आते हैं और बताते हैं कि आज हम आपसे जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे इतिहास के कुछ अनबिलीवेबल और खास मॉन्यूमेंट्स में से एक है, जिसका नाम है रानी की वाव। जी हाँ, कहानी में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रानी की वाव से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको जरूर पता होने चाहिए और जिन्हें जानकर आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटण में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी यानी के सीढ़ीदार कुएं के रूप में बना अद्भुत कला का नमूना है। वाव को ही बावड़ी यानी के कुआं कहा जाता है। पाटण को पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था, जो पहले गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। अब हम आपको इस मॉन्यूमेंट से जुड़ी एक सबसे खास बात बताते हैं, वो ये कि देश के आजाद होने के बाद गुजरात के इस एरिया में जहाँ ये बावड़ी है, दरअसल इस सरस्वती नदी के पास ही एस्टैब्लिश है और यहाँ बाढ़ आने की वजह से इस वाव को पूरी तरह जमीन ने निकाल लिया था। लेकिन जब धीरे धीरे पानी उतरने लगा तो यह जगह पूरी तरह दलदली एरिया में बदल गई, जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब यहाँ खुदाई और जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि यहाँ कोई बहुत बड़ा हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है। हालांकि 1940 में इस एरिया को एक बार रिसर्च के अंडर लिया गया था, लेकिन उस समय इतना ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया गया था। इस जगह को देश की आजादी मिलने के बाद 30 सालों की कड़ी मेहनत के बाद खोज कर निकाला गया था। इतना ही नहीं, 2016 में इस मॉन्यूमेंट को क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस का खिताब भी मिला था। यूनेस्को ने 2014 में इस मॉन्यूमेंट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी किया था। अब आपको लग रहा होगा कि इसका नाम रानी की वाव है तो जरूर किसी राजा ने अपनी रानी के लिए इसे बनवाया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इस बार की कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट एक रानी ने अपने राजा को गिफ्ट किया था। आपको बता दें कि इस भव्य और विशाल बावड़ी का निर्माण सोलंकी वंश के शासक भीम देव की पत्नी रानी उद्यमती ने 1063 ईस्वी में अपने पति की याद में इस 7 मंजिला बावड़ी को बड़े प्यार से बनवाया था। रानी उदयमती जूनागढ़ के चुड़ासमा शासक खेंगार की पुत्री थी और राजा भीमदेव गुजरात के सोलंकी एम्पायर के फाउंडर थे। सोलंकी राजवंश के शासक भीमदेव ने वडनगर गुजरात पर 1021 से 1063 ई तक रूल किया था। तो मतलब आज से लगभग 1000 साल पहले इस मॉन्यूमेंट का निर्माण हुआ था। बाप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों ये आर्ट और मॉन्यूमेंट अपने आप में एक खास है। इस मॉन्यूमेंट की आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो आपको इस बावड़ी से जुड़ी हर खासियत के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको एक खास बात बताते हैं और वो ये है कि ये एक ऐसा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या आर्किटेक्चर है जिसे एक नहीं बल्कि 2 बार डिस्कवर किया गया है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि जमीन में सिर्फ खुदाई नहीं करनी थी बल्कि 900 साल पहले डेवलप किए गए आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट को बड़ी सावधानी से निकालना था। और ये काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1958 में शुरू कर दिया था और जैसा आज ये मॉन्यूमेंट दिखाई देता है वैसा सही सलामत निकालने में इसे 30 साल लग गए। एक और बात जो शायद आपको हैरान कर दे वो ये है कि इस जगह को मैन्युअली इंच बाय इंच खोदकर निकाला गया था, क्योंकि एक भी गलती 900 साल पहले बने आर्किटेक्चर को नुकसान पहुंचा सकती थी। 1980 के पीरियड में रानी की वाव को पूरी तरह एक्सकेवेट कर लिया गया था। 11वीं सदी में बनी यह बावड़ी आर्किटेक्चर का एक फंटास्टिक एग्जाम्पल है। वैसे तो हम जानते हैं दोस्तों कि इंडिया में बने ज्यादातर आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स की अपनी एक अलग फॉर्मेशन है, जिनमें से कुछ नागर डिजाइन की हैं और कुछ द्रविड़ डिजाइन के। इस बावड़ी के कंस्ट्रक्शन में मारू गुर्जर आर्किटेक्चरल स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है। रानी की वाव को फाइन आर्किटेक्चर का बेजोड़ नमूना माना जाता है। रानी की वाव के शानदार पिलर फॉर्मेशन और डिजाइन मानो हमें सीधा आज भी सोलंकी वंश और उनके समय में ले जाते हैं। बावड़ी की दीवारों और स्तंभों पर अधिकांश मूर्तिकला तथा नक्काशी में भगवान श्री राम, वामन और कल्कि जैसे विष्णु के अवतार को पूरी तरह डिफरेंट रूप दिया गया है। लेकिन यहाँ की 7 मंजिला बावड़ी
अपने आप में लोगों के अट्रैक्शन का मेन सेंटर है। हम दावे के साथ कह सकते हैं दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में ऐसी शानदार बावड़ी या कुआं नहीं देखा होगा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस जमाने में भी बिना किसी मशीन के इस भव्य बावड़ी के कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह अंडरग्राउंड करवाया गया है। रानी का यह बाव 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा तथा 27 मीटर गहरा है। बावड़ी की आर्किटेक्चर आपको एक उल्टे मंदिर की तरह दिखाई देता है, जो कि सच है। बावड़ी को उल्टे मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी इमेज जब बावड़ी के अंदर मौजूद पानी में बनती है तो वो सीधा नजर आता है। अगर आप जानते हैं ऐसा क्यों तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वैसे आपकी नॉलेज के लिए आपको एक और बात बता दें कि रानी की वाव न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व में ऐसी इकलौती बावड़ी है जो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हुई है। इस बावड़ी की दीवारों पर बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप और ब्यूटीफुल स्टैचूज की कार्विंग की गई है, जिसकी वजह से यहाँ जो भी टूरिस्ट आता है वो पहले आर्किटेक्चर को देखकर ही हैरान हो जाता है, क्योंकि भारतीय आर्किटेक्चर एंड कार्विंग हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेती है। इसके ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के चलते 2018 में RBI द्वारा भारतीय मुद्रा के 100 रुपए के नोट पर दिखाने का डिसीजन लिया गया था। क्या आप जानते हैं कि इस विशाल सीढ़ी नुमा बावड़ी के नीचे एक छोटा सा गेट भी है? जी हाँ, जिसके अंदर 30 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है और यह सुरंग पाटन के सिद्धपुर में जाकर खुलती है। अब इस सुरंग को लेकर भी एक कहानी है और वो ये है कि पहले इस सुरंग का इस्तेमाल राज परिवार वॉर के समय या फिर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के समय करते थे, लेकिन सरस्वती रिवर में बाढ़ की वजह से अब हाल फिलहाल ये सुरंग पत्थर और कीचड़ की वजह से बंद हो गई है। भारी दुनिया के कटे होने की वजह से आज भी ये और इसके अंदर की मूर्तियां काफी अच्छी हालत में है। इस अनूठी बावड़ी में 500 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां हैं और 1000 से ज्यादा छोटी मूर्तियां हैं। इस बावड़ी में भगवान विष्णु के दशावतारों की मूर्तियां बेहद अट्रैक्टिव में डिजाइन की गई हैं। इसके अलावा इस विशाल बावड़ी में सभी प्रमुख देवी देवताओं की मूर्तियां भी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं दोस्तों कि भारतीय महिलाएं अपने रंग रूप और श्रृंगारों के चलते कितनी प्रसिद्ध हैं और हुआ भी करती थी। इस वाव में नारियों के 16 श्रृंगारों को भी दर्शाया गया है। रानी की वाव के सबसे अंतिम स्तर पर जाने पर आपको एक गहरा कुआं दिखाई देगा। इस कुएं को आप ऊपर से भी देख सकते हो और अगर आप इस कुएं की गहराई तक जाना चाहते हो तो इसके अंदर सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। लेकिन अगर आप इसे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो यह दीवारों से बाहर निकले हुए कुछ डिजाइन नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस कुएं की गहराई तक जाएंगे तो आपको यहाँ पर लेटे हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति देखने को मिलती है, जो कि अपने आप में कितनी सुंदर दिखाई देती है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर भारत देश के अंग्रेजों से आजादी तक के कई राज और कई कहानियां छुपाए हुए हैं, जिनके बारे में आप जितना पढ़ेंगे और जानेंगे आपके अंदर उतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। शायद यही कारण है कि आज भी दुनिया भर में इतिहास का जब भी नाम लिया जाता है तो इंडियन हिस्ट्री के बिना कोई भी सर्कुलम अधूरा ही रहता है। भारतीय इतिहास अपने आप में एक ग्रंथ है, लेकिन हमने आपको अपनी इस वीडियो के जरिए खूबसूरत इतिहास से जोड़ने की कोशिश भी की है। इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ध्यान रखें।